पश्चिम बंगाल के सर्व शिक्षा व ग्रंथागार राज्य मंत्री और जमात उलेमा हिंद की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि तीन तलाक बिल इस्लाम पर हमला है। जमात उलेमा हिंद इस बिल को नहीं मानता है। 4 अगस्त को जमात उलेमा हिंद की केंद्रीय कमेटी की मीटिंग में हम इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि तीन तलाक बिल का पास होना दुख का विषय है। राज्य में अगर विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया तो यह विधेयक पास नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार तीन तलाक के मामलों का हवाला देकर जबरन इस बिल को पास करवा लिया। उन्होंने कहा है कि तीन तलाक की मान्यता भारत के स्वाधीन होने के पहले से ही चली आ रही है। जब देश आजाद हुआ तब देश के संविधान में भी इन मान्यताओं को जगह दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मॉब लिंचिंग पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। নিজের কোন রুচি ইচ্ছা এ সমস্ত কোন স্থান সেখানে নেই এবং আমরা বিশ্বাস রাখি যে পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে পুরুষের জন্য বা মহিলার জন্য কোনটা উপযোগী কোনটা তার ক্ষতিকারক কোনটা তার লাভ এটা তিনি জানেন এবং কোনোভাবে এটা আমাদের পক্ষে মানা সম্ভব এবং এটা আমাদের কাছে অপছন্দ।